जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। तो दोस्तों, आप अगर जेएनयू हेल्पर 2 की अभ्यर्थी हो और जो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे बहुत टाइम से, कि आपने YouTube पे भी कई मतलब वीडियो देखे होंगे कि कल आ रहा है, 10 को आ रहा है, 15 को आ रहा है, 20 को आ रहा है और 25 को आ रहा है। तो दोस्तों, कई अफवाहें फैल रखी है यूट्यूब, सोशल मीडिया और जो आपकी व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि ये कोर्ट में चला गया मामला। तो दोस्तों, इन सवालों पे मैं आज आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित कोई भी भारतीय किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज़ होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलें। तो दोस्तों, आपके दिमाग में 3 सवाल जरूर चल रहे होंगे कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है और रिजल्ट आ रहा है तो कब आएगा और इसका क्या कट ऑफ रह सकता है। आई थिंक आपके 3 ही डाउट होंगे। इसके अलावा कोई डाउट होता है मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों, पूरा हम डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है ये कि JVNL में 796 पदों की तकनीक सहायक भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने तथा नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों लेट हो रहा है। इस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का लाभ नहीं देने पर उन्हें परिणाम और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाईकोर्ट की ओर से यह अंतरिम निर्देश अनुपमा चौधरी की याचिका पर दिया गया। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। क्या कारण है, चलो देखते हैं। दोस्तों, साइट के थ्रू हम मैं आपको बिल्कुल पूरा समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको कटो भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, देखते हैं, पहले साइट पे जाकर के आप समझते हैं क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हो आप, JVNL मतलब साइट पर हम आ गए हैं, रिक्रूटमेंट आप देख सकते हो। आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो जेईन का एग्ज़ाम हुआ था उसकी अभी ज्वाइनिंग देनी बाकी है, उसका प्रोसेस अभी स्टार्ट है, चालू है, उनको देने के बाद में आपको बिल्कुल दे दी जाएगी। दोस्तों, बताना चाहूँगा, जेईन का जो एग्ज़ाम था, पहले अपॉइंटमेंट उसका निकला था, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया ऑर्डर, और सिविल और इलेक्ट्रिकल का, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी JVNL उसमें प्रोसेस में लगा हुआ है उस भर्ती में, जैसे 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाती फिर आपका JVNL हेल्पर 2 का रिजल्ट के लिए वो पूरी तैयारियां कर लेंगी और आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। 20 के बाद में 20 से 25 तक आने के पूरे चांसेस हैं, आ जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोर्ट में कहीं फैसला नहीं गया आपका होने के लिए, कोई स्टे नहीं आया है, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, आप आराम से निश्चिंत रहेगा और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसके बाद में ऑब्जेक्शन लगाएगी, क्योंकि अभी तक तो उसका रिजल्ट ही नहीं, स्टे कैसे लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से रहिए, टेंशन फ्री रहिएगा। और मैं जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ बिल्कुल राइट बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है कि ऐसा स्टे आ गया, तो दोस्तों आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, ये जो लास्ट में देख सकते हो आप, जो ये आप उनका है जो ईमेल एड्रेस है ये वाला, उस पर जाकर ईमेल करके पूछ सकते हो, सर ऐसी बात है क्या कि मतलब ये हमारा स्टे लग चुका है और हाईकोर्ट में ये मामला चला गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हो तो आपको डाउट हो तो क्लियर करना हो तो आप क्लियर भी कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आपका क्लियर ना हो कि सर क्या बात है आंसर की, क्यों नहीं निकाली हमारे को, क्यों नहीं दिखवाई आपने, बस यही दिखा दी कि ये आंसर का ये मतलब आंसर सही है, जबकि ऑनलाइन पेपर हुआ था हमारा, हमने क्या अटेम्प्ट किया वो भी दिखा, जो भी डाउट है आपका सारा आप क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, अब हम चले कट ऑफ के लिए देखने के लिए। तो हम आप कट ऑफ देखते हैं, JVNL जो जेएन का है वो थोड़ा 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट यानी कि वो तैयारी में लग जाएगा JVNL, तो जल्द ही आ जाएगा आपका रिजल्ट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो हम कट ऑफ देखते हैं। तो दोस्तों, हम आपको पता होगा दोस्तों, जैसे कि JVNL हेल्पर 2 का जो आपका पेपर हुआ था थोड़ा ठीक ठाक था, जैसा कि आपने सबने दिया होगा, आपको पता होगा कि दोस्तों 80 के लगभग तो नॉर्मली अटेम्प्ट कर ही लिया था जनरल वाले, तो मिनिमम मतलब 80 के लगभग तो आपका कर लिया गया अटेम्प्ट, तो आपका नॉर्मली मैं बताना चाहूँगा दोस्तों 75 से 80 आपका नंबर आ जाएगा ना, तो कंफर्म आपका सिलेक्शन जनरल में हो जाएगा। दोस्तों, अदर कैटेगरी की जहाँ तक का सवाल है दोस्तों, उसमें आपका 75 से आपका नीचे आ जाएगा। जैसे कि मैंने कमेंट पढ़ा था, आपके एवरेज निकालता हूँ तो आपका 70 से 80 के बीच में जनरल और आपका
ओबीसी दोनों का अगर रहेगा ना तो आपका 70 से 80 के बीच में मतलब रहने वाला है। दोस्तों बताना चाहूँगा एससी और एसटी का आपका बहुत कम रहने वाला, 70 के अंदर आपका नंबर हो रहा है आ रहा है, 70 या 70 के थोड़ा मतलब एक दो नंबर आगे पीछे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि पेपर दिया होगा आपने, मतलब लेवल ठीक ठाक था, उतना ज़्यादा मतलब हाई नहीं बोल सकते, नॉर्मल मतलब ठीक ठाक था, उसके हिसाब से आपका 80 के लगभग इसमें बन रहा है तो श्योर है 100% 80 बन गया तो मतलब श्योर ही आपका हो जाएगा जनरल या ओबीसी। नॉर्मल थोड़ा सा कम ही गेप होता है ओबीसी और जनरल के, आजकल देखा होगा आपने तो अभ्यर्थी मतलब इंटेलिजेंस सारे वही, जनरल और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, तो आपका 75 से 80 के बीच में ये रह जाएगा और आपका 70 या 72 या मान लो तो 70 या 72 तक आपका एससी एसटी का है या 70 से थोड़ा सा एक दो नंबर नीचे है तो एसटी में आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई नहीं, जैसे कि आपने देखा होगा आपने पेपर भी दिया होगा लेवल के हिसाब से यही कट ऑफ रह सकता है, किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों ये था पूरा न्यूज़। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं हर कमेंट का आपका रिप्लाई दूंगा। आपको कोई सजेशन हो कुछ भी हो दोस्तों, मैं गलत बता रहा हूँ तो वो भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताएगा। उस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करिए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों ऐसी हम फेक बेसिस न्यूज़ें देते हैं, कोई भी जॉब हो कोई भी योजना आएगी बेरोजगारों और मतलब आपके बेरोजगारों और शिक्षित बेरोजगार जो भी होते हैं उनके लिए जो भी योजना आती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता का मैं वीडियो डालता हूँ और आपका जो भी रिक्रूटमेंट आता है टीचर का ले लो, एसएससी, रेलवे, सबका रिक्रूटमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सारा इन्फॉर्मेशन क्या अपडेट रहता है मैं सारा डालता हूँ, तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।